हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी। राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे लौकी की कोफ्ता। उसके लिए हमने यहाँ आधा लौकी लिया, लौकी बड़ी थी इसलिए हमने काट के आधा ले लिया, धो के छील लिए हैं और हम इसे धुल भी लिए हैं। फिर से अब इसे कद्दूकस करेंगे, जो मोटा वाला कद्दूकस का है वही इसे कद्दूकस करेंगे। हम पूरा हमने कद्दूकस कर लिया है, अब इसका जो पानी छिड़ा है उसे हम निकालेंगे। दोनों हाथों से प्रेशर लगा के इसे दबाएंगे तो जितनी पानी रहेंगी सब निकल जाएंगे। इसी तरह सभी को हमने पानी निकाल दिया सभी लौकी का। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, अभी ग्रेवी में यूज करेंगे। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, यहाँ पे मसाले डालेंगे घर का बना हुआ थोड़ा सा, हिंग डालेंगे, जीरा डालेंगे, यहाँ पे हमने कूटी हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट लिया इसे डालेंगे, साथ थोड़ा सा नमक डालेंगे, ग्रेवी में भी नमक पड़ेगा, थोड़ा हल्का डालेंगे, धनिया डालेंगे, बेसन डाल के इसका डो तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने दो बड़ा चम्मच बेसन लिया था, सभी को डाल दिए हैं। पानी इसमें हम नहीं डाले हैं, जो पानी लौकी में रहती है उसी से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसका बाउल बनाएंगे, आप जिस शेप में देना चाहते हैं उस शेप में दे सकते हैं। इसी तरह हम सभी बाउल को बना के रखेंगे। हमने इसको गोल गोल शेप दे दिया है, यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दी है गर्म करने के लिए। अब इसे हम छानेंगे, इसे हम पलटेंगे, अब इसे उलटते पलटते हमको ब्राउन होने तक सेकना। धीमी आंच पे हमने इसे फ्राई कर लेंगे तो निकालेंगे। इसी तरह सभी को छान के निकाल लेंगे। हमने आखिरी बार भी डाल के छान लिया, इसे निकाल लेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है उसे निकाल लेंगे, इसी में ग्रेवी बनाएंगे। इतना तेल हम रखे हैं, दो बड़े चम्मच है जीरा, कुछ खड़े गरम मसाले हैं, इलायची, दालचीनी, दो लौंग, एक छोटी इलायची, तेजपत्ता, हींग डालेंगे। यहाँ पे हमने प्याज, हरा मिर्च, लाल मिर्च इसे तलेंगे। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया है, यहाँ पे हमने मिक्सी जार में प्याज, टमाटर, मिर्चा, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना लिया है, इसे भी डालेंगे। दो मिनट हो गया, इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, घर का बना हुआ मसाला सभी को डाल के एक मिनट के लिए भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे मसाले जले नहीं गया है। इसमें हम कस्तूरी मेथी डालेंगे। यहाँ पे हमने एक चम्मच घी लेके एक चम्मच बेसन को भून लिए हैं ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए, इसे भी इसी में डाल देंगे। आप जितना बना रहे हैं उसी हिसाब से आप भी बेसन को बढ़ा सकते हैं ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। आप इसका इसमें काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। इसे भी एक मिनट के लिए भूनेंगे धीमी आँच पर। बेसन हमने एक मिनट हो गई है, हमने बेसन को पहले भी भूना था, भून गया है। यहाँ पे हमने लौकी की जो पानी रखी थी उसे डालेंगे।
पानी को हमने गरम करके ले लिया है गुनगुना, इसी को ग्रेवी में डालेंगे। ग्रेवी को और पतला करना है। नमक डालेंगे, मैं स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, मैंने इसमें पकौड़ी में भी डाले हैं, इसी ग्रेवी के अनुसार ही डालेंगे। अभी तक पकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ग्रेवी में उबाल आ गई है, इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, इसे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। ग्रेवी को पकते हुए 5 मिनट हो गया है, इसमें हम सभी पकौड़ी को डाल देंगे, इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। ग्रेवी हमारी पक गई है, 5 मिनट हो गया था, हमने बंद कर दिया गैस को। धनिया पत्ता डालेंगे इसमें, लौकी की कोफ्ते बन के रेडी हैं। आप सब भी बनाइए, चावल रोटी किसी के साथ खाइए, आप खाने में टेस्टी होता है। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू।